आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग पेयर्स द पेयर दैट इलस्ट्रेट फंक्शनल आइसोमेरिज्म इज। हमें यहाँ पर पेयर ऑफ कंपाउंड्स गिवन है जिसके अंदर से हमें बताना है कि कौन सा पेयर इलस्ट्रेट कर रहा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म को। तो हम पहले देख लेते हैं कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म इनमें से कौन से शो कर सकते हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म इज द आइसोमेरिज्म इन विच फंक्शनल ग्रुप ऑफ टू कंपाउंड्स आर डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप ऑफ टू कंपाउंड्स आर डिफरेंट एंड आइसोमर से तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है सेम। मॉलिक्यूलर एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। यहाँ पर हमें क्या देखना है, इनमें से किस पेयर के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो फर्स्ट जो हमें पेयर गिवन है दैट इज 1-butanol एंड 2-butanol। अब ब्यूट मतलब होता है 4-carbon एटम की चेन, मतलब ये दोनों ही 4-carbon एटम की चेन है। अब यहाँ पर जो ओल है ये सफिक्स होता है ऑफ अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप एंड 1-butanol है मतलब फर्स्ट कार्बन एटम पर होगा OH ग्रुप, तो ये फर्स्ट कार्बन एटम पर OH ग्रुप लगा देंगे। एंड 2-butanol है तो यहाँ अगर यहाँ से काउंट करें लेफ्ट टू राइट तो यहाँ पर सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप लगा देंगे। तो यहाँ पर वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा CH2, यहाँ पर भी आ जाएगा CH2, यहाँ भी आ जाएगा CH2 एंड यहाँ आ जाएगा CH3। इसी तरह यहाँ आ जाएगा CH3 क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट है, तो हाइड्रोकार्बन जो होता है उसके अंदर हम हाइड्रोजन से वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर एक तो OH ग्रुप है और जो वैलेंसी कंप्लीट होगी वो होगी यूजिंग हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों के स्ट्रक्चर आ गए हैं। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो सेम है, दोनों के पास OH ग्रुप है तो OH फंक्शनल ग्रुप जो है दैट इज अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। दोनों के पास अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ये बनेगा दोनों के केस में ही C4H10O। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट फंक्शनल ग्रुप इज नॉट डिफरेंट, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। इस केस में क्या है, जो ये चेन जो अरेंजमेंट है चेन का अरेंजमेंट सेम है बट यहाँ पर जो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप दैट इज डिफरेंट। एंड ऐसा होता है इन केस ऑफ पोजिशनल या पोजिशन आइसोमेरिज्म। इट इज पोजिशन आइसोमेरिज्म, इस टाइप के आइसोमेरिज्म को ये कहा जाता है, नॉट फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज डाइमिथाइल ईथर एंड इथेनॉल। डाइमिथाइल ईथर जो होगा इसके अंदर, ईथर के अंदर क्या होता है ऑक्सीजन से 2 अल्काइल या राइल ग्रुप बॉन्डेड होते हैं। अब डाइमिथाइल है मतलब जो दोनों अल्काइल ग्रुप्स है वो दोनों ही मिथाइल है, मिथाइल ग्रुप होता है CH3 तो दोनों तरफ क्या है मिथाइल ग्रुप्स है, ये हो गया डाइमिथाइल ईथर। एंड इथेनॉल होता है 2-carbon का इथेन, इथेन जो होगा CH3 होता है। बट यहाँ पर क्या है, हमारे पास अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए तभी इथेनॉल बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास इथेनॉल है एंड यहाँ पर है डाइमिथाइल ईथर, तो इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम आ रहा है। दोनों के पास 2-carbon एटम है, हाइड्रोजन एटम है दोनों के पास ही 6 एंड ऑक्सीजन है 1, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। बट यहाँ पर अगर हम फंक्शनल ग्रुप देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन बॉन्डेड है टू 2 अल्काइल ग्रुप्स, ये है ईथर फंक्शनल ग्रुप एंड यहाँ पर जो है हमारे पास दैट इज OH ग्रुप एंड OH होता है अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, ये अल्कोहल हो गया इस वजह से। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आ गए हैं, फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट एंड ऐसा होता है इन केस ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देयरफॉर जो हमारे पास सेकंड पेयर गिवन है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलस्ट्रेट कर रहे हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म को, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें गिवन है सिस 2-butene एंड ट्रांस 2-butene। अब सिस 2-butene एंड ट्रांस 2-butene में डिफरेंस देखेंगे, ब्यूटीन है एंड सेकेंड कार्बन पर होगा डबल बॉन्ड। सिस 2-butene एंड ट्रांस 2-butene हमें गिवन है अगर, तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंड कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब यहाँ पर क्या है 2 more carbon एटम्स है। अब यहाँ पर ब्यूटीन है तो यहाँ पर 4 carbon एटम ही होंगे, ब्यूट होता है यूज प्रिफिक्स फॉर 4 carbon एटम की चेन, तो 4 carbon एटम की चेन होगी। सेकेंड कार्बन एटम अगर यहाँ से काउंट करें 1, 2, 3, 4 तो सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड हो गया, इसलिए ये स्ट्रक्चर हो गया ऑफ 2-butene। अब यहाँ पर हमें गिवन है सिस 2-butene, तो सिस 2-butene कब कहेंगे जब यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उसके सेम साइड पर यहाँ पर बिगर ग्रुप्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर CH3 आएगा
तो ये ब्यूटेन हो गया। अब सेकेंड, ये जो सेम ग्रुप्स है आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, तो ये हो गया सिस टू ब्यूटीन। एंड अगर इसी तरह जबर डबल बॉन्ड है एंड ये जो मिथाइल ग्रुप्स है आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, ऑपोजिट साइड में आ गए, तो इस वजह से ये क्या हो जाता है, ट्रांस टू ब्यूटीन। अब जो सिस ट्रांस होते हैं, सिस ट्रांस ब्यूटीन, यहाँ पर अगर सिस और ट्रांस हम यूज करें, हम यूज करते हैं इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है ड्यू टू रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, तो ये हो गया है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये दोनों चोकर है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड नॉट फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज इथेनॉल एंड इथेनल। अब इथेनॉल एंड इथेनल के अंदर इथेनॉल जो हमने देखा था कि टू कार्बन का एल्कोहल था, इसलिए ओल सफिक्स है, CH3 CH2OH। एंड इथेनल के अंदर भी टू कार्बन एटम की चेन है, बट इथेनल जो है, इथेनल इसके अंदर जो अल है, अल सफिक्स, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है इस तरह से कार्बोनिल ग्रुप एंड यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। टू कार्बन का है, एथ होता है, पर टू कार्बन का सफिक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा CH3। अब इनके मॉलिकुलर फॉर्मूला अगर हम देखें तो फर्स्ट का मॉलिकुलर फॉर्मूला तो है C2H6O, बट जो सेकेंड है इसका है C2H4O, तो यहाँ पर मॉलिकुलर फॉर्मूला ही डिफरेंट आ गया। अब मॉलिकुलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट होता है तो ये आइसोमर्स है ही नहीं, तो ये फंक्शनल आइसोमर्स हो ही नहीं सकते। आइसोमर्स का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो सकता होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।